हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नूरपुर में सुधीर नाम का एक आदमी रहता था, जो कि दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी शोभा और बेटी रूही रहती थी। सुधीर दिहाड़ी मजदूरी से बस इतना ही कमा पाता था कि उसका दो वक्त का रोटी का गुजारा ही चल पाता था। लेकिन फिर भी वो तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। बाबा, ठंड आने वाली है, मेरे पास नया स्वेटर भी नहीं है, मुझे एक नया स्वेटर दिला दो ना। हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, तेरे बाबा है ना, तेरे लिए नया स्वेटर जरूर लेकर आएंगे। रूही बिटिया, बाबा को खाना खाने दे, तू तब तक बाहर खेल ले। ठीक है माँ, आपने उसको नया स्वेटर दिलवाने के लिए कह तो दिया, लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारे पास दो वक्त की रोटी के अलावा उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे हम अपनी बिटिया के लिए नया स्वेटर लेकर आएंगे। सुधीर अपनी बेटी के लिए नया स्वेटर ले आता है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। सुधीर इसी तरह अपनी गुड़िया की हर फरमाइश पूरी करके उसे खुश रखने की कोशिश करता था। अपनी बेटी को खुश देखकर वो दोनों भी बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और सुधीर के एक हादसे में मौत हो जाती है। अब शोभा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेचारी शोभा पर ही रूही की सारी जिम्मेदारी आ गई। ऐसे ही एक रोज उसका भाई उससे मिलने आया। दीदी, आप और रूही मेरे साथ चलो। नहीं राजू, तुम पर पहले ही अपने परिवार का बोझ है, अब मैं तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती। मैं यही रहकर कुछ काम कर लूंगी, लेकिन क्या वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये लो, तुम ये सूप पियो। वाह बहन, आज भी क्या लाजवाब सूप बनाती हो तुम। इस कड़ाके की ठंड में तो ये सूप पीकर मजा ही आ गया। वैसे तुम चिकन सूप बनाकर क्यों नहीं बेचती। ये लो, मेरी तरफ से कुछ पैसे रखो और चलो मेरे साथ, हम अभी जाकर सामान खरीद कर लाते हैं। शोभा को भी उसका आइडिया पसंद आया और उसने राजू से कुछ पैसे उधार लिए और उसके साथ जाकर सारा सामान ले आई। फिर अगले दिन शोभा चिकन सूप बनाकर बेचने लगी। सूप ले लो सूप, चिकन सूप, सिर्फ 20 रुपए, गर्मा गर्म चिकन सूप पीजिए और इस ठंड को भगाइए। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो। वैसे इस कड़ाके की ठंड में चिकन सूप पीने का अपना ही मजा है। भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या स्वाद है, लाजवाब। धीरे धीरे शोभा का बनाया हुआ सारा सूप बिक जाता है और उसकी उस दिन अच्छी कमाई होती है। अब शोभा हर रोज चिकन सूप बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उसने अपने भाई के दिए हुए पैसे भी सूद समेत लौटा दिए। ये देख उसके पड़ोस में रहने वाली उसकी देवरानी नीलम उससे बहुत जलती है और वो एक दिन शोभा के पास आकर उससे कहती है, जेठानी जी आप तो जानती ही हैं, एक की कमाई में गुजारा कर पाना आजकल के जमाने में कितना मुश्किल है। ऊपर से आजकल इन्हें कारीगरी का इतना काम भी नहीं मिलता। अच्छा होता अगर आप मुझे अपने ठेले पर कुछ काम दे देती। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कल से मेरे साथ काम पर चलना। कुछ ही दिन में नीलम शोभा जैसा चिकन सूप बनाना सीख गई और फिर उसने अपना ठेला ठीक शोभा के ठेले के सामने लगा लिया। कुछ दिन में उसकी भी कमाई ठीक ठाक होने लगी, लेकिन फिर उसका लालच बढ़ता गया। मुझे कुछ तो करना होगा और ज्यादा पैसे बचाने के लिए। तभी उसकी नजर अपने आंगन के पेड़ पर बैठे कौवे पर जाती है। अरे वाह नीलम, क्या आइडिया है तेरे इस खुफिया दिमाग में, अब तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन से नीलम अपने ठेले पर चिकन सूप के नाम पर कौवे का सूप बनाकर बेचने लगी और उसने उसकी कीमत भी 20 रुपए की जगह 15 रुपए कर दी। कम रेट देख कर अब शोभा के ग्राहक भी नीलम के पास ही जाने लगे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये नीलम इतनी कम लागत में आकर चिकन सूप बनाकर कैसे बेच सकती है। इन सब में लागत भी तो कितनी होती है, चिकन मसाले इन सब का भी तो खर्चा होता है। हो ना हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। शोभा उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक रोज वो देखती है कि नीलम चिकन की हड्डी अपने आंगन में रख देती है, जिन्हें खाने ढेर सारे कौवे आते हैं। फिर वो उन्हें पकड़ कर उनका सूप बनाकर बेचती है। शोभा इस बात की शिकायत पुलिस में कर देती है, जिसके बाद पुलिस उस लालची सूप वाली को पकड़ कर जेल में डाल देती है। उस दिन के बाद शोभा के ठेले पर अच्छी खासी भीड़ लगने लग जाती है, जिससे धीरे धीरे उसे इतना मुनाफा होता है कि कुछ दिनों में वो अपनी एक बड़ी सी चिकन सूप की दुकान खोल लेती है, साथ ही अपना पक्का घर भी बना लेती है और रूही को बड़े स्कूल में पढ़ने डाल देती है। अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी है सरिता की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति केशव और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहती थी।
अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? जी आई। क्या हुआ जी, बड़े खुश लग रहे हो? अरे बात खुशी की ही है, अपने सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है, हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, तो तैयार रहना। अरे वाह, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना? हाँ वो तो है, वहाँ शहर के भी बड़े बड़े लोग आएंगे। और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो अपना बंटी बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा। सरिता गांव के सरपंच रामलाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। केशव सरिता और बंटी को लेकर शादी में पहुंचा। पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन सजे हुए थे, मगर सरिता और केशव की नजर बस पालक पनीर के बर्तन पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भरपेट पालक पनीर खाया और छोटे बंटी ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वाद चखा। असल में केशव की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में दो वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए यही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन। माँ माँ मुझे वो खाना है। क्या बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हरा हरा सा, जिसमें वो सफेद सफेद डब्बे थे। अच्छा वो? अरे मेरे प्यारे लल्ला, उसे पालक पनीर कहते हैं। हाँ माँ वही पागल पनीर। अरे मेरे लल्ला, ठीक है ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पागल पनीर। ठीक है माँ। हंसी हंसी में सरिता ने बंटी से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये करेगी कैसे। केशव एक छोटा किसान था, जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था। और ये बात सरिता भी अच्छे से समझती थी। उफ, बंटी से बोल तो दिया पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो बहुत तंगी है, इनसे बात भी की तो बहुत गुस्सा करेंगे, अब क्या करूं मैं। इसी उधेड़ बुन में सरिता का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही सरिता को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने केशव से रुपए मांगे नहीं थे और बंटी सुबह से ही पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। सरिता बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया, वो जल्दी से पड़ोसी के खेत से थोड़े से ताजे पालक के पत्ते मांग कर ले आई। फिर उसने गुथे आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक पका कर उसमें बिल्कुल पनीर की तरह डाल दिया। और फिर, माँ जल्दी लाओ ना, पागल पनीर बना नहीं क्या अब तक? बन गया लल्ला, लो ये लो, ये रहा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। मासूम बंटी बिना कुछ समझे बूझे खाता गया, मगर सरिता अंदर से बहुत दुखी थी क्योंकि वो तो सच जानती थी। फिर उसी शाम, बाबा बाबा आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया? अब क्या बनाया बेटा? माँ ने आज वो शादी वाला पागल पनीर बनाया खाने में। क्या? अच्छा। उसे पालक पनीर कहते हैं बेटा। केशव बंटी की बात पर हंसा, पर वो हैरान भी था कि आखिर पालक पनीर बनाने के लिए सरिता पैसे कहाँ से लाई। उसने फौरन अंदर जाकर सरिता से पूछा, सरिता वो बंटी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है। जी वो मैं वो। लाओ थोड़ा सा हमें भी चखा दो फिर। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो केशव को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे केशव के सामने भी वही पालक की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौकोर टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही केशव को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने सरिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। केशव ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया। केशव के इस तरह के बर्ताव से सरिता और ज्यादा डर गई, वो और रोने लगी। फिर कुछ देर बाद केशव घर वापस आया तो उसके हाथों में एक थैला था। बंटी, ओ बंटी जल्दी से बता शाम को मेरा बेटा क्या खाएगा? मैं तो वही खाऊंगा माँ ने बनाया ना, वो पागल। हाँ हाँ समझ गया, चलो अब हम सब मिलकर असली वाला पालक पनीर बनाएंगे। केशव के हाथों में पनीर, क्रीम और बाकी मसाले थे, जो उसने मुस्कुराते हुए सरिता को थमा दिए। वो सारा सामान उधार लेकर आया था। उस दिन सरिता ने भी पूरी मेहनत और सावधानी के साथ पालक पनीर बनाया। जब तक पालक पनीर बनकर तैयार हुआ तो केशव और बंटी वही रसोई में बैठे सरिता को बड़े ध्यान से देखते रहे। और फिर जैसे ही सरिता ने असली पनीर के साथ पालक पनीर उन दोनों को परोसा तो दोनों के चेहरे खिल गए। पहला निवाला खाते ही बंटी सीधा जाकर अपनी माँ के गले लग गया। ये वाला पागल पनीर तो शादी वाले से भी बहुत अच्छा है माँ। सच में सरिता, बंटी बिल्कुल सही बोल रहा है।
तुमने तो कमाल कर दिया। अब मुझे लगता है अब तुम्हारा ये पालक पनीर ही हमारी किस्मत पलटेगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं, आप कहना क्यों चाहते हो? देखो, मैं कई दिनों से खेती छोड़कर एक ढाबा खोलने के बारे में सोच रहा था। खेती की जमीन तो है ही अपने पास, उसी में एक छोटा सा ढाबा चलाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बस ये नहीं समझ पा रहा था कि अच्छा खाना बनेगा कैसे, जो लोगों को पसंद भी आए और खाना बनाने के लिए किसी को मजदूरी भी ना देनी पड़े। लेकिन अब सब समझ में आ गया है। तुम चलाओगी ढाबा और मैं और बंटी करेंगे तुम्हारी मदद। केशव की बात सुनकर सरिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे खाना बनाने का हमेशा से शौक था, लेकिन पैसों की कमी के चलते वो इस शौक को कभी आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन अब उसका ये शौक उनकी कमाई का जरिया बनने वाला था, तो सरिता भी पूरी तरह से तैयार थी। अगले ही दिन से केशव ने बांस बल्लियों की मदद से ढाबा बनाना शुरू कर दिया और पूरे एक हफ्ते की मेहनत के बाद सरिता का पालक पनीर ढाबा बनकर तैयार हो गया। शुरुआत के लिए केशव को थोड़े पैसे कर्ज पर लेने पड़े, लेकिन फिर सरिता की मेहनत और लगन ने वो कर दिखाया जिसकी केशव ने उससे उम्मीद लगाई थी। यूं तो सरिता ढाबे के लिए खाने के लिए कई चीजें बनाती थी, लेकिन उसका बनाया पालक पनीर ही सबसे ज्यादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। मजा ही आ गया भाई। भैया पालक पनीर में इससे पहले ऐसा स्वाद नहीं आया, बता रहे गजब बना भैया, गजब कसम से। किसने बनाया वैसे, कोई खास कारीगर है क्या आपके पास? है जी हाँ है ना, और वही इस ढाबे की असली मालकिन भी है, वो मेरी पत्नी सरिता, उसी ने बनाया है सब कुछ। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है भैया, तो फिर ठीक है। देखो भैया, अगले महीने मेरे घर में दावत है, तो दावत के खाने का पूरा ऑर्डर आपका है, बस इतना बताओ कि एडवांस कितना देना है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन खाने में क्या क्या बनाना है पहले ये तो बताइए। भाई अपनी तो एक ही डिमांड है, बिल्कुल ऐसा ही पालक पनीर है, बाकी सब आप देखो ना, करीब 250 लोगों की दावत है। और हाँ एक बात और, ये दावत निपटा लो, फिर एक काम और है आपसे। जी वो क्या? मेरा बेटा इंटरनेट पर हुनरमंद लोगों की वीडियोस बनाकर डालता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा देगा। सरिता के बनाए पालक पनीर और उसके ढाबे को पहचान मिलने जा रही थी। केशव और सरिता बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश था बंटी। आखिर हर रोज उसका मनपसंद पालक पनीर जो खाने को मिल रहा था उसे,